हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर होम. वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज इन चैप्टर 5 नेचुरल रिसोर्सेज. इन क्लास 9th इन सब्जेक्ट बायोलॉजी. ओके स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4, वाई डू वी फॉल इल. बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज. तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज बाय अ मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर इज कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्स. यानी कहने का मतलब एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, यानी एनी कॉम्पोनेंट, एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड That can be utilized by man to promote his welfare. To promote his welfare is considered as a नेचुरल रिसोर्स. कहने का मतलब ये हुआ कि यानी एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज बाय अ मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स. कहने का मतलब ये हुआ कि एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, यानी नेचुरल एनवायरमेंट का कोई सा भी कॉम्पोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज बाय मैन, जिसे मैन क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है. और क्यों यूटिलाइज करता है? टू प्रमोट हिज वेलफेयर, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए या अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो क्या करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के एनी कॉम्पोनेंट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपने सर्वाइवल के लिए. एंड दैट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. एंड दैट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, एनर्जी हो गई, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ये सारे क्या हैं, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. यानी नेचर में क्या है, ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है. यानी कहने का मतलब ये नेचर में प्रेजेंट है, यानी दीज आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइप इज इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, एंड ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. जो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, नेचर में प्रेजेंट होते हैं. ये कैसे होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं. अनलिमिटेड मीन्स जो ख़त्म नहीं होते, एंड दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन यूज़. यानी अगर ह्यूमन इन्हें यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, नेचर में ख़त्म नहीं होते. जैसे बात करें सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी,
टाइडल एनर्जी, रेनफॉल, तो ये सारे क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। एंड अगर बात करें एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, ये क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी कहने का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मीन्स यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर इन्हें कंटिन्यू यूज़ किया जाए। दे आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी, ये कैसे होते हैं, ये लिमिटेड क्वान्टिटी में होते हैं। दे आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी, दे आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी, ये क्वान्टिटी में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दे आर एक्सेसिव यूज़ मे कॉज देयर एग्जॉशन, यानी कि अगर हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे या अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ये एनवायरमेंट से क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कहने का मतलब जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात करते हैं आगे, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर टू इज नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बात करते हैं जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये कैसे होते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिगेन्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड अप आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मीन्स यानी जैसे इसके नाम से पता चला है रिन्यू, जैसे आप यहाँ पर देखो इसका नेम क्या है, रिन्यू। रिन्यू का मतलब क्या होता है, यानी वो रिसोर्सेज जो क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, यानी जो क्या हो सकते हैं, बार बार जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वाटर की, सॉइल की, नेचुरल वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन में जैसे वुड फाइबर आ गया, फूड आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गई, एक्वेटिक लाइफ आ गई, ह्यूमन बींग्स आ गए, तो ये क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि विच कैन बी रिगेन्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड, यानी कि अगर इन्हें एक बार हम यूज़ कर लेते हैं तो हम इन्हें दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिगेन्ड, यानी कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम दोबारा रिगेन नहीं कर सकते, यानी जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते या दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी अगर हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एनवायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर स्पीशीज, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, यानी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें बायोलॉजिकल स्पीशीज़, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होते हैं इन्हें हम रीजनरेट नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो यानी कि ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी हम इन्हें दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे वह बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इन्हें हम यूज़ अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि हम आगे फिर इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम। बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या होता है, यानी कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, यानी अगर हम इसे कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, यानी कि एयर की बात करते हैं। एयर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है। विदाउट एयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एयर की वजह से हमारी अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। जैसे अगर हम बात करें एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है, 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होता है ऑक्सीजन, 0.03% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड 1% क्या होती हैं नोबल गैस प्रेजेंट होती हैं, नोबल गैस, एंड 1% क्या होता है इसमें नोबल गैस प्रेजेंट होती है। नोबल गैस कौन सी, जैसे हीलियम हो गई, ऑर्गन हो गई, नियॉन हो गई, ये हमारी क्या होती हैं नोबल गैस होती हैं, जो अनरिएक्टिव स्टेट में रहती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन रिएक्टिव नहीं होती। एंड जो इसमें 21% जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, अर्थ पर क्या करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। सिर्फ ऑक्सीजन गैस क्या करती है, हमारी अर्थ पर लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है। एंड ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस दैट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म O2 इन एनी अदर नोन प्लैनेट, यानी कहने का मतलब, यानी O2 फॉर्म में दूसरे प्लैनेट पे ये गैस प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें प्लैनेट्स वीनस या मार्स में, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो करीबन 95 से 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी प्रेजेंट है हमारी वीनस और मार्स पे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ नॉट अ लाइफ सपोर्टिंग गैस,